चुनाव से पहले प्रयागराज में एक भव्य कुंभ देखा गया, या कहें कथित तौर पर एक दिव्य कुंभ देखा गया। और अब चुनाव के दौरान वाराणसी में एक भव्य इंटरव्यू देखा गया, एकदम दिव्य इंटरव्यू देखा गया। कैसे नेता जो जब सियासत में आए तो राजनीति के नियम बदल दिए, जब सत्ता में आए तो कूटनीति अर्थनीति के नियम बदल दिए, उनके लिए हमने इंटरव्यू के नियम बदल दिए और उन्हें उनके ही चुनाव क्षेत्र वाराणसी में लेकर आए हैं। नरेंद्र मोदी जी, बहुत स्वागत है आप। कुंभ में भक्त नतमस्तक हुए थे अपने आराध्य के सामने, इस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर नतमस्तक हो रहे थे अपने परम पूज्य नरेंद्र मोदी के सामने। आपका जब महामना से लेकर माँ गंगा तक का जो पूरी यात्रा थी, आपका नामांकन लग रहा था जैसे बनारस वासी जो है वो एक उत्सव की तरह वो मना रहे हैं। इस इंटरव्यू की तुलना प्रयागराज के कुंभ से बिना वजह नहीं की जा रही है। यहाँ भी भक्ति भावना थी, नतमस्तक भक्त थे, अगल बगल धार्मिक आध्यात्मिक माहौल था और बैकग्राउंड में घंटी आरती की लगातार आवाजें, जैसे एक भक्त अपने भगवान को महान और विशाल बताता है, वैसे आज तक के ये एंकर नरेंद्र मोदी को विशालता का एहसास करा रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे हम हिंदुस्तान के कैपिटल के मुख्य मार्ग पे चल रहे हैं। आपके विरोधी मैदान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, वाराणसी में आपके सामने खड़ा कोई नहीं है अब वैसा। इंटरव्यू के शुरुआत में ही श्वेता सिंह ने नरेंद्र मोदी की तुलना धरती पर गंगा को ले आने वाले मिथक चरित्र से कर दी, मोदी को आधुनिक भागीरथ करार दे दिया। आपको ये लगता होगा कि एक भागीरथ थे जो गंगा जी लेकर आए, जो दोबारा गंगा जी को साफ कर पाएगा वो आज का भागीरथ ही कहलाएगा। क्या निर्मलता उतनी आई है, और अगर नहीं आई है तो आपको कितना समय का दायरा लगता है? पहले तो मैं एक सामान्य इंसान हूँ, भागीरथ एक बहुत बड़ा उन्होंने, अगर उसको हम माइथोलॉजी से निकाल करके सोचे तो एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग वर्क किया उन्होंने। बनारस के घाट पर खड़े होकर मंद मंद बजती हुई घंटी की बैकग्राउंड आवाज में नरेंद्र मोदी को देवता तुल्य बताती हुई श्वेता सिंह की भक्ति प्रदर्शन चरम सीमा पर थी। चापलूसी की हद देखिए कि खुद नरेंद्र मोदी भी इससे झेप गए और खुद ही सफाई देने लगे कि वो कोई भागीरथ तुल्य नहीं बल्कि एक आम आदमी है। मगर ये मत भूलिए, जैसे भक्त वैसे उनके भगवान होते हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद को भागीरथ मानने से भले ही सीधे तौर पर इनकार किया हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो अपने आप को भागीरथ घोषित कर गए। साबरमती रिवर फ्रंट की तुलना गंगा को धरती पर ले आने से कर गए। मेरी कोशिश है कि गंगा, और गंगा एक सिंबॉलिक है, और मैंने छोटा सा प्रयोग किया साबरमती में, जहाँ महात्मा गांधी जीवन के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए। इससे नरेंद्र मोदी की मूर्खता की दो मिसालें आती हैं। पहली बात तो एक मिथ को वैज्ञानिक आधार का बताना मूर्खता है। गंगा कहीं स्वर्ग से नहीं आई हैं, ग्लेशियर से पिघलकर बहती हुई पानी की धार हैं जो हिमालय से निकली है, मैदानी भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। जैसे दुनिया भर की नदियों का बहना वैज्ञानिक रूप में भौतिक और भौगोलिक फिनोमिना या घटना है, वैसे ही गंगा का बहना भी। नरेंद्र मोदी की दूसरी मूर्खता ये है कि अगर साबरमती रिवर फ्रंट बनवा देने से वो महान और भागीरथ तुल्य हो जाते हैं, तो फिर अखिलेश यादव को तो अकारण ही महानतम घोषित करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट से भी बेहतरीन, खूबसूरत और सुव्यवस्थित तरीके से लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया है। तो कुछ किलोमीटर घाट चमकाकर नदियों के उद्धारक बनने वाले नेता, चंद मुनाफे के लिए नदियों का गला घोटने वाले उद्योगपतियों के हाथ नदियों की किस्मत छोड़ देने वाले नेता इस बात से बाज आएं कि वो गंगा या अन्य नदियों का उद्धार करने जा रहे हैं, क्या ये वही नरेंद्र मोदी नहीं हैं जिनके शासनकाल में गंगा और मैली हो गई? क्या ये वही नरेंद्र मोदी नहीं हैं जिनके शासनकाल में गंगा की सफाई की मांग करते करते संत की मौत हो गई? क्या ये वही नरेंद्र मोदी नहीं हैं जिनके शासनकाल में गंगा सफाई के नाम पर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ? क्या ये वही नरेंद्र मोदी नहीं हैं जिनके शासनकाल में नमामि गंगे नाम की योजना के नाम पर देश के करोड़ों लोगों के साथ धोखा किया गया? देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी को बद से बदतर बना देने वाला व्यक्ति अपनी तारीफ करने वाले को रोककर अगर देश से माफी नहीं मांगता है तो इसे बेशर्मी मानी जानी चाहिए। गंगा स्वच्छ हो, उसका पहला सिद्धांत मैंने जो तय किया कि पहले गंदगी डालना बंद करें, गंदा बंद करें, नालियां सीवरेज जो जाता है वो पहले बंद करें, तो मैंने उस पर बल दिया है और उसका परिणाम नजर आ रहा है। पहला पड़ाव नजर आ रहा है, और आपको खुशी होगी, अभी लंदन में अभी कुछ ही समय पहले कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में
गंगा स्वच्छ पानी पर कॉन्फ्रेंस था, गंगा स्वच्छता को रिकग्नाइज किया गया, उसको अवार्ड दिया गया, तो मुझे खुशी है कि हम सही दिशा में है। माफी मांगना बेशर्मी की एक डिग्री है, उससे बड़ी डिग्री है मामले को नजरअंदाज कर देना। लेकिन बेशर्मी की सबसे बड़ी डिग्री है झूठ बोलकर वास्तविक स्थिति से उल्टी कहानी बताना, अपनी ही झूठी तारीफ करना और बात को घुमा फिरा कर कहना कि गंगा की स्थिति बेहतर हुई है। गंगा की बदहाली की रिपोर्ट पर अगर यकीन ना आ रहा हो तो देश भर में गंगा के हालात को खुद देख कर समझा जा सकता है हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा झूठा है, हमारे देश की मीडिया किस हद तक नतमस्तक हो गई है, हमारे यहाँ की पत्रकारिता कितनी भक्तिकारिता में बदल गई है। ऐसा लगता है इन कथित पत्रकारों ने उसी साफ निर्मल और पवित्र गंगा में सवाल पूछने वाली पत्रकारिता के दायित्वों का विसर्जन कर दिया है जिसके भागीरथ नरेंद्र मोदी हैं।